गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है आपको? यस सर। आप अपना परिचय दीजिए। बिहार सर मेरा नाम संजीता परवीन है। मैं बिहार के बरौनी बेगूसराय से बिलोंग करती हूँ। सर मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। मैंने अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से कंप्लीट किया है और उसके बाद से सर मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस का प्रिपरेशन कर रही हूँ। कौन से साल में ग्रेजुएशन किया आपने? 2018 में काफी समय हो गया आपको, अभी तो 2023 चल रहा है, इतने समय से आप तैयारी कर रहे हैं। सर स्टार्टिंग में अच्छे से गाइडलाइन नहीं मिल पाई थी मुझे तो थोड़ा लेट हो गया। और लास्ट 2 ईयर से सर मैंने बहुत सारा प्री क्वालिफाई किया है बट मेरा फाइनल सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है आपका? यस सर। ओके। हाँ सर, पूछिए। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर मेरी स्ट्रेंथ है पेशेंस, ऑनेस्टी और कीन लर्नर। सर जैसे इस एडीओ जॉब के लिए पेशेंस रहना बहुत जरूरी है क्योंकि कल को अगर हम मार्केट जाते हैं तो बहुत सारा मुझे मतलब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा तो वहां पे मुझे पेशेंस रखना जरूरी है। और सर ये एक मार्केट सेल्स जॉब है तो वहां मुझे ऑनेस्टी दिखाना जरूरी है क्योंकि ऑनेस्ट रहेंगे तभी हम अपने बिजनेस को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। और सर मुझे नए नए लोगों से मिलना, उनसे बात करना, ये सब मुझे बहुत पसंद है और मैं जल्दी घुल मिल भी जाती हूँ सबसे। और सर वीक पॉइंट है कि सर मेरे पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, उतनी एक्सपीरियंस नहीं है मुझे किसी भी चीज़ को लेके, बट मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं उस चीज़ को सीखने की बहुत कोशिश करती हूँ। आपकी हॉबीज क्या है? सर हॉबीज ट्रैवलिंग और कुकिंग पसंद है। आप इंश्योरेंस सेक्टर में क्यों आना चाहती हो? सर इंश्योरेंस सेक्टर सर एक डायनेमिक फील्ड है और ये बहुत बहुत बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और सर यहाँ एक मतलब हम प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लेवल पे बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ सर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है, हम जितना मार्केट में अपना एफर्ट डालते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, हम उतना ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो सर मुझे थोड़ा इसमें इंटरेस्ट है। एडीयू की ड्यूटी क्या होगी? सर एडीओ की ड्यूटी एजेंट को रिक्रूट करना है, उन्हें ट्रेन करना है, उन्हें मार्केट के बारे में, सेल्स के बारे में उन्हें अच्छे से गाइड करना है कि अपने पॉलिसी को कैसे मार्केट में लाया जाए और जैसे लोगों तक अवेयरनेस फैलाना पॉलिसी के बारे में और उन्हें अच्छे से ट्रेन करना, और यही सर उसकी ड्यूटी होती है। एक एडीयू में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर एक एडियो में सर जैसे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, उनके अंदर कन्विंसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए ताकि लोगों को अच्छे से कन्विंस कर सके, और लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए ताकि अपने, क्योंकि एक टीम को उन्हें चलाना होता है तो एक टीम लीड करना आना चाहिए उन्हें, तो ये सब होना चाहिए। आप LIC के बारे में क्या जानते हो? सर LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सर एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया की और ये 1 सितंबर 1956 में आई थी। सर इसका मेनली काम होता है लोगों तक, जैसे हम लोगों के ऊपर खतरा मंडराते रहता है, अनवांटेड चीज कभी भी हम लोग के साथ हो सकता है तो वो हमें फाइनेंशियली लॉस और डैमेज से बचाती है। बीमा कितने तरह के होते हैं? सर बीमा पॉलिसी बहुत तरह के होते हैं, जैसे इंडोमेंट प्लान हो गया, और टर्म इंश्योरेंस प्लान हो गया, होल लाइफ ये प्लान हो तो गया, यूनिट। LIC के प्लान है। आपको टाइप्स यस ऑफ सर। इंश्योरेंस बताना है? टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, सर दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं मेनली, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ को सिक्योर करता है, और जनरल इंश्योरेंस सर लाइफ को छोड़ के जितने भी तरह के होते हैं जैसे मोटर इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, ये सब सर जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। ये नॉमिनेशन के बारे में बताइए आप। नॉमिनेशन सर मीन्स नॉमिनी। नॉमिनी नॉमिनी ओके सर, जैसे हम लोग कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो उसका जो बेनिफिट होता है मेरी नॉमिनी को मिलता है, तो वो नॉमिनी कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर हो या आप जिसको चाहते हैं कि इसका बेनिफिट उसे मिले, तो उसे सर नॉमिनी कहते और KYC के बारे में बताओ। हैं। KYC सर मीन्स और कस्टमर और नो योर क्लाइंट मीन्स हम अपने जो क्लाइंट का आइडेंटिफाई और वेरीफाई करते हैं उनका पूरा इंफॉर्मेशन सर उसे कहते हैं KYC। LIC पॉलिसी लेने के लिए KYC क्यों आ सकता है?
सर इसके बारे में तो पता नहीं है कि LIC जरूरी है या नहीं KYC पे, बट मुझे लगता है कि सर लेना भी चाहिए क्योंकि उनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन उनको पता होना चाहिए, और स्टार्टिंग में तो उन्हें पता होता है बट एक वो अच्छे रिलेशनशिप को दिखाता है कस्टमर और जो कंपनी है कि वो हमेशा अपडेट करती रहती है अपने क्लाइंट के बारे में कि क्या है उनका सारा इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी। हाँ, अपने लाइफ का अचीवमेंट बताइए। सर मेरी लाइफ में कोई ऐसा अचीवमेंट तो नहीं है सर, मैं बहुत सिंपल सी मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई लड़की हूँ, बट सर अगर मेरा मैं एज ADO बनती हूँ तो ये मेरा सर का सर फर्स्ट बड़ा अचीवमेंट होगा मेरी लाइफ का। आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हो क्या? सर डेली तो नहीं बट कभी कभी देख लेती हूँ। आज का रीड किया? नो सर आज का तो रीड नहीं किया बट चलो, इन एक दो दिन का कोई समाचार बताइए। जैसे सर LIC के बारे में बता सकती हूँ, जैसे LIC ने अभी टेक महिंद्रा में अपना स्टेक बढ़ाया है 8.88%, और सर वो गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस जो है उनको भी IDAI की तरफ से बिजनेस मिल गया है, वो पहले जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस करती थी इंडिया में बट उसे लाइफ इंश्योरेंस का भी बिजनेस IDAI की तरफ से मिल गया, और ये कैनेडियन फर्म है। टोटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कितनी हैं भारत में? टोटल आई थिंक 25 25 प्रॉक्स है, 24 है, 27 है। ठीक आई थिंक सर, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 25 सेकंड बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है देश में? सर, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। HDFC लाइफ इंश्योरेंस है। ओके, यस सर, आप ये बताइए कि सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सम्मान बचत पत्र में क्या फर्क है? सुकन्या समृद्धि योजना और महिला, सर अब सर महिला सम्मान नीति में जैसे गवर्नमेंट 2 लाख का उन्हें दी है जैसे बेनिफिट, और ये मतलब 7.5% के इंटरेस्ट पे है उनको, और वो 23 से 25 मतलब 2 साल के लिए है महिला को, महिला के लिए ही है। और सुकन्या समृद्धि योजना सर अभी अच्छे से नहीं बता पा रही ओके, उतने आप अच्छे ये से याद। बताइए कि LIC में जितने भी प्लान है, इंश्योरेंस प्लान है, यस महिला सर, स्पेसिफिक प्लान के नाम बताइए और उनमें क्या फीचर्स हैं वो बता दीजिए आप थोड़ा। सर जैसे जीवन आधार शिला आई थिंक महिला के लिए है, और सर उसके बारे में अच्छे से डिटेल नहीं बता पाऊँ सॉरी सर। आप ये बताइए कि बीमा वाहक क्या होता है? ठीक है सर, जैसे बीमा वाहक अभी IDAI ने लॉन्च किया था 3 प्रॉन्च प्लान, उसमें एक बीमा वाहक भी है। उनका काम है कि ग्राम पंचायत में जा करके सबको मतलब इंश्योरेंस के बारे में बताना, और ये बेसिकली मतलब वुमेन सेंट्रिक है, वुमेन पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया इस चीज को लेके, तो पॉलिसी अवेयरनेस फैलाना ग्राम पंचायत के लिए रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताइए आप। सर नालंदा विश्वविद्यालय जो मतलब कहते हैं इन मतलब इंडिया की शायद वो बहुत बड़ी फर्स्ट मतलब ये है नालंदा विश्वविद्यालय, तो इसका स्टैब्लिशमेंट तो भी पता है। आई एम सॉरी सर, ओके, बिहार के गवर्नर का क्या नाम है? राजेंद्र राजेंद्र सिंह विश्वनाथ हर्लिकर। विश्वनाथ। शिक्षा मंत्री कौन है बिहार के? सॉरी सर, आप ये बताइए कि बीमा लोकपाल क्या होता है? बीमा लोकपाल आई थिंक इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। यस। ओके सर, जैसे अगर कोई भी कस्टमर है और इंश्योरेंस है तो उन दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट को वो रिजॉल्व करती है इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। उसमें भी एक रूल होते हैं कि अगर कोई कस्टमर को प्रॉब्लम है तो वो 30 डेज का टाइम दे इंश्योरेंस कंपनी को, अगर वो रिजॉल्व नहीं करती है तो फिर वो 1 ईयर का उनके पास टाइम होता है, वो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास जा सकती है अपना प्रॉब्लम लेकर के, तो वो कितने रिजॉल्व लाख तक का करती है, क्लेम किया जा सकता है? 30 लाख तक का वो रिवॉर्ड दे सकती है। 30 लाख तक का रिवॉर्ड मिल सकता है। आप ये यस बताइए कि ग्रेस पीरियड क्या होता है बीमा के अंदर? सर, ग्रेस पीरियड अगर कोई भी इंश्योर मतलब कोई भी इंश्योर जो होते हैं पॉलिसी होल्डर अगर प्रीमियम रिन्यू कराना चाहते हैं तो उनके लिए उन्हें टाइम दिया जाता है, तो जैसे एनुअली अगर कोई जमा करते हैं तो उनके लिए 30 डेज होता है, अगर क्वार्टरली करते हैं तो उनके लिए 15 डेज होता है, तो उसके अंदर अगर वो उसको मतलब एक ग्रेस पीरियड मतलब एक मिल जाता है कि आप इसके अंदर वो प्रीमियम पे कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो।
आप ये बताइए कि एक महिला होते हुए, एक लेडीज होते हुए, आप कैसे एक सेल्स जॉब में चैलेंजेस को जो है वो स्वीकार करेंगी और अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगी, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। यस सर, जैसे सर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ एक चैलेंजेस को फेस करते ही, और अपनी बहुत मेहनत और अपनी पेशेंस लगन के साथ यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। एक जैसे मेल काउंटर पार्ट जो मेरे कंपटीशन होंगे वो मेरे मेल होंगे मेरे मार्केट में भी, तो सर जैसे मेरी पेशेंस मेरी ऑनेस्टी मुझे वही मुझे वो सर्वाइव करने में हेल्प करेगी और मैं अपना वहाँ बेस्ट दे सकूंगी। ओके, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है? सर इंश्योरेंस होता है कि वो हमें फाइनेंशियली लॉस और डैमेज से बचाती है, बट इन्वेस्टमेंट में सर हम अपना वहाँ वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, वहाँ मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, सर यही डिफरेंस। कोई आम आदमी जो इंश्योरेंस कराता है, जो टैक्स पेयर है, उसको LIC यानी इंश्योरेंस जो भी वो कराएगा तो उसको टैक्स में बेनिफिट मिलते हैं। को यस सर, किसमें आते हैं, कौन से सेक्शन में आते हैं इनकम टैक्स में? वो आईटी एक्ट 1961 के अंदर आता है और सेक्शन 80C के अंदर आता है, उन्हें 1.5 लाख तक का छूट है कि वो मतलब टैक्स मतलब बचा सकते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है या 1.5 का ही है? नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग है, वो आई थिंक उसका सर 75,000 समथिंग, LIC वो की एज बेस्ड सब्सिडरी, आई चलो थिंक एक करता लास्ट है सवाल, LIC की सब्सिडरीज का नाम बताइए आप। सर। LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC इंटरनेशनल लिमिटेड, LIC म्यूचुअल फंड, LIC कार, LIC पेंशन, और IDBI। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू। फीडबैक थैंक यू सर। सर फीडबैक, आपका ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस आपके अंदर कम है, ठीक है ना? यस सर, आप जनरल अवेयरनेस पे काम कीजिए, करंट अफेयर आपने नहीं पढ़ रखा है उस पर थोड़ा सा रीड आउट कीजिए। डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपर होंगे सभी के, है ना? डिग्री चाहिए सभी की, है ना? नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री रखेंगे, अपना कैरेक्टर सीसी सर्टिफिकेट या कंडक्ट सर्टिफिकेट तीन बनाने हैं आपको, ठीक है ना? वो सारी चीजें यस आपको, यदि आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाना है, ठीक है? बाकी आप चीजें ठीक है, LIC का भी आपको नॉलेज है जो है रिसेंट चीजों का, है ना? लेकिन मेन चीज जो है वो आप इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि आप एज ए लेडीज कैसे चैलेंजेस को जो है बेयर करेंगी और उन चीजों को फेस कर पाएंगी, है ना? तो इस इसका पे आप आंसर अच्छे तो से काम बता। कीजिए, है ना? इस पे जो है इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं कि भाई आजकल महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में बहुत जो है वो अच्छा कर रही है और पुरुषों की तुलना में ही भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। इसका आप रिसेंटली एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे UPSC के रिसेंट एग्जामों में भी जो है महिलाएं काफी आगे बढ़ रही हैं दिन प्रतिदिन। देश की लीडिंग जो है वो कंपनियां या इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपनियां हैं उसमें भी जो है एक लीडर की भूमिका के तौर पर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो एक आत्मविश्वास जो है मेरे अंदर भी एक ऐसा है कि मैं भी जो है इस क्षेत्र के अंदर पुरुषों से अच्छी अच्छी प्रतिस्पर्धा जो है वो करके इसमें एक्सेल दे सकती हूँ, अपना एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती हूँ। थैंक यू सर, यस। ठीक है, ओके, थैंक यू।